हाय गाइस, गुरु गेमिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। सो जैसे कि भाई आप लोगों को पता ही है कि भाई विंटर अपडेट बहुत ही क्लोज हम लोग आ चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि अब हम लोग क्या बात करेंगे स्नीक पीक की, कि कब से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो डेरियन का स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए। तो डेरियन बेसिकली उसको ऐसा लगता है देरन भैया को कि भाई मे बी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, बट वो भी कुछ कंफर्म नहीं है बिकॉज वो है बाहर कहीं पे घूमने गए, साउथ कोरिया समथिंग लिखा हुआ है। तो अब उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मे बी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट वीक से शुरू होते हैं नहीं होते, या फिर मुझे लगता है ये क्लेन गेम्स ख़त्म होने के बाद शुरू होंगे। आई डोंट नो, जस्ट माई स्पेक्यूलेशन है, ये क्लेन गेम्स ख़त्म होने के बाद शुरू होंगे या फिर जो CWL आने वाली है सीज़न 3 उससे पहले, या फिर उसी किसे उससे पहले तो स्नीक पीक आ जाएंगे। तो ये बात आई स्नीक पीक की। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई बेसिकली आने क्या वाला है। तो हम लोग अभी मैं जो बात करूँगा ना, वो चांसेस है उसके आने के, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट चांसेस है उसके आने के। तो अब आप बोलेंगे कि तो बताओ कौन सा, तो यहाँ पे मे बी स्पेल आ सकता है, एक नया ट्रूप एंड बैलेंसिंग चेंज आने वाला है। यस, जो फोरम पे मैंने पढ़ा उसी हिसाब से मैं बोलूँ तो यहाँ पर नया ट्रूप में परमानेंट तो बहुत ही चांसेस कम है, बहुत ही कम है, बट टेम्पररी में तो आ ही सकता है। उसके बाद ये भी आने वाला है, हमारा स्पेल भी टेम्पररी आ सकता है बिकॉज विंटर अपडेट है, सीजनल ट्रूप आता ही है, ऑब्वियसली बात है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैजिकल आइटम कंफर्म की थी डेरियन ने कि भाई यस, एक मैजिकल आइटम कंफर्म है जो कि वो आने वाली है। अब कौन सी आने वाली है वो नहीं बताया, सिर्फ बताया कि भाई नई मैजिकल आइटम आएगी। तो वो आप लोग जरा सी ये क्लिप देख लीजिए, आपको फिर पता चलेगा कि भाई कौन सी आने वाली है। I do too. And when it is released, it'll be one of those like, oh, finally. And it's more of a quality of life magic item than anything else. So, यहाँ पे क्या बोला है डेरियन ने कि भाई जो ये जो मैजिकल आइटम है वो बहुत टाइम से कम्युनिटी, मतलब कि हम क्लैशर मांग रहे थे कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए बहुत लॉन्ग टाइम से, और हमें ये चीज़ चाहिए और फाइनली ही वो चीज़ आ जाएगी। ओके, तो अब आप हम लोगों को वही सोच रहे हैं कि भाई ये कौन सी मैजिकल आइटम होगी कि जिससे जो हम लोग बहुत लंबे टाइम से मांग रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से बोल रहे हैं हम लोगों को ये चीज़ चाहिए, या फिर हम लोगों को ऐसी मैजिकल आइटम चाहिए वॉट एवर, बट हम लोगों कौन सी चीज़ होगी जो हम लोग इतने सालों से मांग रहे हैं। मेरे को मैंने लिया ध्यान में, मुझे लगता है हीरो के रिगार्डिंग होगा ये चीज़, मैं श्योर हूँ हीरो के रिगार्डिंग होगी ये चीज़। एंड आप लोग देख लेना जब भी आएगी। ऑलरेडी टोटल 4 पोर्शन लीक हुए थे आपको बताया, तो उनमें से एक तो सही निकल गया बिल्डर बेस का। ओके, बट अब 3 बाकी है, तो 3 में से एक पोर्शन हीरो के रिगार्डिंग था, बट अब देखते हैं क्या होता है, मे बी कुछ अलग भी आता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें तो कंफर्म हो गई है, अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है बताए कि भाई इसके बाद और कौन से नए स्टफ आएंगे। तो देखो उन्होंने सीधा बोला था कि भाई बहुत सारे स्टफ्स हैं, मतलब कि ऐसा नहीं थोड़ी चीज़ें ही है और भी है। तो उसमें ऐसा बोला था डेरियन ने कि भाई ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी एंड सीज मशीन को आप और ज़्यादा प्यार करने लगो कि ऐसा कुछ आएगा। ओके, ऐसा बोला था। तो अब वो हम लोगों को देखना है कि भाई ये कौन सी चीज़ आएगी, ग्राउंड अटैक एंड सीज मशीन को हम लोग और ज़्यादा प्यार देने लगेंगे, खास करके वॉर ब्रेकर माई फेवरेट। तो हमें वो भी देखना है कि भाई मे बी ये चीज़ क्या होगी क्या, मे बी मेरी स्पेक्यूलेशन मानो तो मे बी नई सीज मशीन हो जो अंडरग्राउंड सीधी अंदर चली जाए और फिर सामने से टाउन हॉल के आगे बाहर निकले, और मे बी कुछ और हो, मतलब कि न्यू ट्रूप हो, परमानेंट ट्रूप का तो चांस बहुत 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 कम है। मुझे नहीं लगता कि भाई देंगे, अभी तो 6 महीने हुए हैं, 6-7 महीने, मुझे नहीं लगता, कम से कम 1 साल का तो वेट करवाएंगे यार वो लोग। तो भी देखते हैं भाई क्या होता है, भाई ये लोग क्या देते हैं ये दिसंबर में। उन्होंने बोला है कि भाई अब नेक्स्ट वीक से मे बी स्नीक पीक स्टार्ट होगा, मे बी नॉट कन्फर्म,
देखते हैं अब वो स्नीक पिक में क्या आता है। मेरी नज़र तो भाई बैलेंसिंग चेंज पर है, क्या भाई नए लेवल आते हैं, क्या होता है वो देखना मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहा गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं इंटरेस्टिंग वीडियो और अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। और गाइस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई वो कौन सी मैजिकल आइटम होगी, कौन सी होगी जो हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ओके, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस।